हेलो फ्रेंड्स, जियो बिंदास से मैं बिंदु सिन्हा और आज मैं अपनी रसोई से आपके लिए एक स्वीट डिश लेकर के आ रही हूँ। वो स्वीट डिश है कैरेट स्विस रोल, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं गाजर स्विस रोल। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो कुछ भी नया डालूं उसे आप तुरंत आपको मिल सके। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं लेकर आने वाली हूं जीवन के हर पहलू से बहुत कुछ। तो देखिए, चलिए बनाते हैं गाजर स्विस रोल। मैंने एक सॉस पैन को गैस जलाकर उस पर रख लिया है, ये गर्म हो रहा है। इसमें मैं एक बड़ा चम्मच घी ऐड करूँगी, ये प्योर घी मैं लूँगी। ये पिघल चुका है और इसमें मैं पूरा गाजर ऐड कर लूँगी। मैं इस गाजर को इसमें फ्राई करूंगी। जब तक मैं गाजर को फ्राई कर रही हूँ, तब तक मैं दूसरी तरफ यहाँ चीनी की चाशनी बना ले रही हूँ। इसके लिए जो मैंने चीनी लिया है मैंने इसमें डाल दिया और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी लेकर इसकी मैं चाशनी बनने दे, थोड़ा सा मैं इसे हिला लेती हूँ और इसकी मैं चाशनी बनने देती हूँ। थोड़ी सी ढक देती हूँ मैं, ये जल्द हो जाएगा। जब तक मेरा चाशनी बन रहा है और गाजर फ्राई हो रहा है, तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। ये अंजीर है, इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको छोटे छोटे टुकड़े काटने से ठीक रहता है, काट ले रही हूँ। ऐसे ही मैं सब काट लूँगी। अंजीर, इसी तरह मैं काजू को बल्कि मैं इस तरह काटूँगी, ज़्यादा अच्छा से कटेगा। और इसी तरह मैं बादाम को भी काट लूँगी। ये मेरा गाजर भून रहा है, अभी थोड़ी सी और भूनूंगी और मैं इसमें मिल्क मेड डालूंगी। मैं अमूल का लिया है, मैंने अमूल मिठाई मेड मैं इसमें डालूंगी। इसको डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि मैं इसमें कोई दूध, मलाई या फिर खोआ नहीं डाल रही हूँ, तो ये डालने से इसका टेस्ट अच्छा होता है। मैं इसमें 2 चम्मच करीब मैंने इसमें डाल दिया है। ये मेरी चाशनी तैयार हो गई है, मैं इसे ऑफ कर देती हूँ और मैं इस चाशनी को गाजर में शिफ्ट कर दे रही हूँ। ये थोड़ी देर पकेगा इसके साथ। ये थोड़ी कड़ी सी मुझे सुखानी है थोड़ी, इसको मैं इसे थोड़ी सी सूखने देती हूँ। तब तक मैं एक काम कर रही हूँ कि ये मेरा कट चुका है ड्राई फ्रूट्स, मैं इसको थोड़ा टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी हनी ऐड कर रही हूँ। ये हमारे स्विस रोल के टेस्ट को बढ़ाएगा, तो मैंने इसमें ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच हनी ऐड कर दे रही हूँ। तो ये तैयार है मेरा, मैं इसकी स्टफिंग करूँगी। अभी वो हो जाने के बाद मैं ये आपको बतला रही हूँ। ये मेरा चाशनी के साथ गाजर हो चुका है,
मैं गैस को बंद कर देती हूँ और मैंने यहाँ एक एल्युमिनियम फॉल लिया हुआ है, इसे मैं थोड़ी सी घी से ब्रशिंग कर ले रही हूँ। ये हो गया और ये मेरा जो गाजर बनकर तैयार है वो मैं इस पर मैंने इसमें डाल दिया है, इसे स्प्रेड कर ले रही हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसे हाथ से ही कर ले रही हूँ। गर्म है, ये मैंने इसे फैला लिया है पतला करके। अब मैं इसकी स्टफिंग करूंगी ड्राई फ्रूट्स मिला करके। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स को, इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी नहीं तो फिर फोल्ड करने में थोड़ी परेशानी आएगी। इसे मैं स्प्रेड कर ले रही हूँ बहुत ही सावधानी से, कहीं से निकले नहीं है। ये हो गया, मैं इस तरह से इसको पहले हल्का सा फोल्ड करूंगी इस तरह से, फिर इसे एक फोल्ड और करूंगी हल्के हाथों से, वरना देखिए ये फट जाता है। एक फोल्ड इसे और करूंगी और लास्टली मैं इसे पूरी तरह से फोल्ड करके इसे इसे पूरी तरह से इस तरह से फोल्ड करके पूरी तरह से मैं इसे फिर इसे इस तरह लॉक कर दूंगी दोनों तरफ से। ये बन गया है मेरा। अब मैं इसे सेट होने के लिए 2 घंटे तक फ्रिज में रख दूंगी और मैं सेट होने के बाद फिर मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपके आपको क्या करना है। ये मेरा 2 घंटा हो गया है और ये जो मैंने गाजर रखा है इसे मैं अब खोल ले रही हूँ। खोल कर देख रही हूँ कैसा है। ये मैं निकाल ले रही हूँ बहुत सावधानी से। ये हो चुका है, अब ये हो चुका है, इसे मैं कट कर ले रही हूँ। ये हो चुका है, अब इसे मैं थोड़ा सा तिरछा करके काटूंगी। शार्प नाइफ रहना चाहिए, इससे मैं इसको थोड़ा सावधानी से, क्योंकि अंदर ड्राई फ्रूट्स है थोड़ा कटने में परेशानी होगा, मैं इसे काट ले रही हूँ। मैं आपको एक काट के दिखा दे रही हूँ, उसके बाद मैं सारे काट लूँगी। ये देखिए, ये स्टफिंग इसके भीतर है और ये इस तरह से बना है। मैं सारे इसके काट ले रहे हैं। ये मेरा गाजर स्विस रोल तैयार है, आप इसे खाइए और
ट्राई कीजिए, बनाइए, सबको खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।